अस्सलाम वालेकुम। कोई जेरे ज़मीन मकबरा बनवा के दफन हुआ और किसी ने अपनी कब्र का निशान तक भी खत्म कर देने की वसीयत छोड़ी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही अनोखी है। आज से तकरीबन 25 वर्ष पहले चांद पर दफन होने वाला ये पहला इंसान है। ये आदमी कौन है? इसकी चांद पे कब्र क्यों बनाई गई? यूजीन मर्ले शूमेकर 28 अप्रैल 1928 को अमेरिका में पैदा हुए और ये एक जियोलॉजिस्ट थे। इसे दूसरे सियारों, खास तौर पर चांद के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। यूजीन शूमेकर ने चांद के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की। इसका जुनून सिर्फ चांद पे रिसर्च करने तक महदूद नहीं था, बल्कि ये चांद पर जाना भी चाहता था। 1948 से इसने चांद पर पहला माहिरे अर्जियात बनने का ख्वाब देखा। यूं ही चांद पर जाने का ख्वाब लिए ये साइंसदान नित नई रिसर्च और अपनी मेहनत से अवार्ड्स अपने नाम करता गया। 1963 में नासा चांद के खलाबाजों का इंतखाब करने वाला था। तब यूजीन को पता चला कि इसे एक बीमारी है जिसे एडिसन्स डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से इसका वजन बहुत कम हो गया, शदीद थकावट और मेदे के मसाइल भी हो गए। यानी इस बीमारी की वजह से यूजीन शूमेकर चांद पर नहीं जा सकता था। इस तरह यूजीन का चांद पर जाने का ख्वाब और उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी थी। 18 जुलाई 1997 को यूजीन की ऑस्ट्रेलिया में एक कार एक्सीडेंट की वजह से मौत वाकया हो गई। यूजीन की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इसकी ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला किया गया, जो बिल्कुल एक हैरानकुन अमल था। यूजीन की बॉडी को जलाकर एशेज यानी राख बनाकर एक कैप्सूल के अंदर बंद किया गया। सेलेस्टिस नाम की कंपनी इंसानी जिस्म की बाकियात को खला में भिजवाने का काम कर रही थी। नासा की रिक्वेस्ट पर इस कंपनी की सबसे पहली स्पेशल फ्लाइट 7 जनवरी 1998 को चांद की जानिब रवाना हुई। इस लूनर फ्लाइट पर यूजीन की राख को चांद पर ले जाया गया और ये फ्लाइट 31 जुलाई 1999 को चांद पर लैंड हुई। इस तरह यूजीन शूमेकर चांद पर दफन होने वाला सबसे पहला इंसान बन गया। साइंस की दुनिया में 25 अवार्ड्स हासिल करने वाले साइंसदान की एक यादगार कब्र आज भी चांद पर मौजूद है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मालूमाती, तारीखी या इस्लामी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।